जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों अब ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जो आपकी फाइनल मेरिट की डेट है, अब आपको पता है बस एक वीक का वो टाइम बच गया है, 20 जनवरी आने वाली है। 20 जनवरी से पहले पहले ही आपकी मेरिट आने के ज़्यादा से चांस है कि 20 जनवरी से पहले पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, नहीं तो 20 तो हाईएस्ट है ही, 20 पे आपकी मेरिट आ जाएगी। अब दिलों की जो धड़कने आपकी बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें बोला था कि कितने परसेंट लोग को लगता है कि उनकी SSGD की जो सीट है वो कन्फर्म है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वोटिंग आई है कि हाँ उनकी सीट कंफर्म है, उनका नंबर 101% आ जाएगा। और कुछों को कंफ्यूज है, कुछ लोगों का ये भी है कि उनको नहीं पता कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने नो भी लिखा है। तो जिन लोगों ने नो लिखा है ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है, और जिन्होंने येस लिखा उनके लिए भी वीडियो। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको शायद नहीं पता होगा, आप जब मेरिट देखते हो, पिछली मेरिट को कहीं को आप उठा के देखते हो, आप अच्छे से नहीं देखते हो किसी भी मेरिट को, ये आप बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अच्छे से नहीं देखने की वजह से आपको पता ही नहीं है कि जिन्होंने नो लिखा है ना 100% वो होंगे लोग जिनके एक या दो नंबर प्लस है। जो SSGD की जो फाइनल मेट है उनको ऐसा लगता है कि उनके एक या दो नंबर प्लस है या तीन नंबर प्लस है, इनमें से जो एक दो तीन वाले इन्होंने नो लिखा है। जिन्होंने यस लिखा है उनके नंबर या तो 3 से ऊपर या 5 या 6 या 7 या 8 नंबर प्लस होंगे, उन्होंने लिखा है यस। अब जिन्होंने कन्फ्यूज लिखा वो ये है, तो 3 और 4 वाले जिनके 3 और 4 नंबर प्लस है वो पक्का कन्फ्यूज वाले पे क्लिक किए हैं। और आई डोंट नो, जिनको पता ही नहीं कि उनके कट ऑफ में कितने नंबर है, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, आए तो ठीक है ना आए तो ठीक है, वो आई डोंट नो वाले हैं। अब जिन्होंने नो लिखा उनको बता दूँ मैं एक चीज़ कि आपने जब आप कोई भी मेरिट देखते हो, साथ ही एक चीज़ और बता दो दोस्तों, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी, उस पर कई लोगों का प्यार जिनका इधर मेरे को मिल रहा है, बार बार अच्छा सपोर्ट मिला, तो उधर नहीं मिल रहा उनका, तो एक बार ज़रूर विजिट करके आए मेरे उस चैनल का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, और आप देखिए मेरे वीडियो उधर कैसे बने, कैसे लगते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उधर जाके 101% बताएं कि वीडियो कैसा लगता है आपको, या कैसा बन रहा है, कुछ कमी है गलतियाँ तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। अब बात करते हैं कि जिन्होंने नो लिखा है तो उनको, उन्होंने मेरिटों को, जो पिछली मेरिटों को उनको अच्छे से देखा नहीं है शायद। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, SSGD की 2018 राजस्थान की जब हमारे टाइम में कट ऑफ गई थी, OBC की 76 कट ऑफ पहली मेडिकल के लिए, फाइनल मेरिट गई थी 79, कितनी बड़ी थी 3 नंबर, जबकि जनरल की कितनी बड़ी थी 1 नंबर। जबकि आपको चाहे मैं वीडियो बनाऊं या कोई भी वीडियो बनाए, वो ये चीज़ हमेशा बोलता है कि जनरल की कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन हुआ क्या था कि OBC की ज़्यादा बड़ी थी और जनरल की कम, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ गई थी मेडिकल के लिए वो ही पहले ऊपर थी। जब उनका कट ऑफ ही ऊपर आ गया तो उसके बाद में होता क्या, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो लास्ट का एक नंबर होता है जिस पर कट ऑफ जाती है, आप मान के चलिए कि उस पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 35 से 40% लड़के लड़कियाँ उसी नंबर पे हैं। अब जिनका एक नंबर भी प्लस है ना, वो इन 30 या 40% लोगों से ऊपर है। अभी अगर हम रेशियो माने इस वैकेंसी का, 60,000 पोस्ट है और 1,00,000 के आसपास ये माना जाता है कि मेडिकल फिट है, तो अगर 40% से आप ऊपर निकल गए तो अंदर हो ना 60,000 के, भाई 40% यानी 40,000, तो 1,00,000 में 40,000 बढ़ा दो तो 60,000 के आप अंदर हो। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है, स्पेशली तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय OBC की जो मेरिट गई थी वो 3 नंबर उछल गई थी, 76 से 79 पे गई थी, लेकिन जो जनरल की मेरिट गई थी वो केवल 1 नंबर ही ऊपर गई थी। और कई स्टेट में कई जगह तो ऐसा हुआ था कि जनरल की मेरिट हिली भी नहीं, जिस नंबर पर कट ऑफ गई वहीं पर उनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे UP का मैंने बताया था, तो उनका वहीं पर सिलेक्शन हुआ जहाँ पर कट ऑफ गई थी। तो जो लोग नो बोल रहे हैं उनको मैंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई कोई मेरे को नो बोलेगा, या कन्फ्यूज की मैंने उम्मीद की थी, कन्फ्यूज बोल सकते हैं, लेकिन नो बोलेगा इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों ने नो बोला, तो आप में उम्मीद होनी चाहिए। और ये 101% है, आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना कि किसके कितने नंबर हैं, और जो दूसरा बंदा जिसके ज़्यादा नंबर आए वो ज़रूर उसको रिप्लाई करना कि आपका नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैं नहीं करूँगा, आप ही को एक दूसरे को कमेंट में रिप्लाई करना है कि किसका नंबर आ सकता है किसका नहीं आ सकता। मैं ज़रूर ऑब्जर्व करूँगा कि कौन अच्छी कौन बोलता है, और फिर जब रिजल्ट आएगा उस समय आप जाके देख लेना कि आपको कौन अच्छा मोटिवेट किया, तो आप ज़रूर उससे जुड़ जाइए कि कौन आपको अच्छा बोला कि हाँ भाई आपका नंबर आ सकता है, और आया भी है।
तो जो नो बोले हैं उनके ये प्रॉब्लम। तो मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कोई से भी स्टेट की एक नंबर बैठे, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई सी भी कैटेगरी हो। एससी एसटी में तो होता ये है कि उनमें तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि कट ऑफ के बाद में जंप करें। पिछली बार ओबीसी जंप की थी जबकि लग नहीं रहा था किसी को भी कि ओबीसी की मेरिट इतनी जंप करेगी, 3 नंबर ऊपर था, क्योंकि 3 नंबर कट ऑफ के बाद में ऊपर जाना मतलब काफ़ी जंप है, यानी काफ़ी ऊपर उठना है आसानी 3 नंबर के अंदर अंदर। मतलब मैंने बोला लास्ट वाले नंबर पे 40% के आसपास कैंडिडेट होते हैं, तो इतना डिफरेंस रहना मतलब कम नहीं था पिछली वैकेंसी में, तो फिर भी इतनी ऊपर गई, तो जबकि जनरल की एक ही नंबर गई। तो हमेशा ही जनरल कैटेगरी में जो आते हैं जितने भी लड़के लड़कियाँ, वो सोचते हैं कि हमारी मेरिट सबसे ज़्यादा कट ऑफ के बाद में ऊपर जाएगी, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी जो कट ऑफ जाती है वो हाईएस्ट चली जाती है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, कोई सा भी एरिया हो, पंजाब या दिल्ली, NCR हो, चाहे मध्य प्रदेश, ये जितने भी मैंने नाम लिए इनमें तो विशेष तौर पे मैं बता रहा हूँ, इनमें जो जनरल कैटेगरी है वो यही सोचते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी मेरिट तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगी या सबसे ज़्यादा ऊँची जाएगी, लेकिन वो जाती है कट ऑफ आपकी सबसे ऊपर। और हाँ, अगर आपकी कट ऑफ ऊपर चली गई तो उसके बाद में ये ज़रूरी नहीं कि OBC की जितनी जंप करे उतनी आपकी जंप करे। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि OBC की जंप कर गई और जनरल की जंप नहीं की, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये होता है कि जो एज रिलेशन लेते हैं, जो 18 से 23 साल के बाद वाले जो होते हैं, जिनको OBC में जिनको जैसे 3 साल 5 साल SC ST में जो मिलती है, जो एज रिलेशन के लेते हैं जिनको OBC कैटेगरी मिलती है, तो वो तो फिर OBC को ही फाइट करेंगे, वो जनरल में नहीं जाएंगे। तो फिर उनका जो होता है वो होता है कंपटीशन OBC में, केवल OBC की सीटों पर ही उनका कंपटीशन होता है, 19 सीटों में कंपटीशन होने की वजह से वो मेरिट अब जाती है, क्योंकि वो जनरल को जनरल में नहीं जाते। जनरल में कौन जाते हैं? जो एज रिलेशन नहीं लेता, यानी 18 से जो 23 साल का होता है वही जनरल में जाता है। अब ज़्यादा जो नंबर आते हैं वो आते हैं 23 साल वाले ऊपर वाले, क्योंकि ये तैयारी पहले से ही करते होते हैं, यानी 2-3 बार ये एग्ज़ाम दिए हुए होते हैं, इनकी तैयारी होती है अच्छी, तो इनके नंबर होते हैं बहुत तगड़े, लेकिन ये रहेंगे उसी कैटेगरी में, इसीलिए जिस कैटेगरी में ये रहते हैं उसी कैटेगरी की मेरिट अब जाती है। तो इसीलिए OBC की ऊपर चली गई थी और जनरल की मेरिट अप नहीं गई थी। तो जिन्होंने नो लिखा है वो ऐसा ना सोचें कि भाई उनका नंबर नहीं आएगा, बी पॉजिटिव, बस आपका नंबर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके एक नंबर भी अगर प्लस है तो अभी आपका नंबर आ सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, पिछली वैकेंसी भी बोल रही थी, उससे पिछली वैकेंसी भी बोल रही थी, और मैं नहीं, वो वैकेंसियों का रिजल्ट बोल रहा है। तो आपका नंबर आ सकता है, आप निराशा बिल्कुल ही आप चेहरे पे कभी भी उदासी या निराशा ना लाए जब तक रिजल्ट ना आए। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आके बोलना कि मेरा एक नंबर प्लस होने से भी नंबर आ गया, या एक नंबर से कम प्लस होने से भी मेरा नंबर आ गया, ये ज़रूर बोल के जाना। उस दिन मैं पोस्ट लगाऊंगा तो उसमें ज़रूर बोलना कि किसके कितने नंबर ज़्यादा है और किस स्टेट से है और उसका नंबर आया। तो इसलिए निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो नो लिखे हैं ये स्पेशली उनके लिए है कि नो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर आ सकता है। जय हिंद।